क्या वाकई एमडी का 2024 का पेपर लीक आउट हो चुका है? आप ये पेपर कहां से, कैसे, कितने लाख में हासिल कर सकते हैं? इस हवाले से टीएमडीसी की जानिब से जितने भी क्लेम किए गए थे, आपकी हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से जो है वो बकायदा एक स्टेटमेंट आई थी, उन सब का क्या बना? सोशल मीडिया पर लोग ओपनली जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे पास एमडी कैट का पेपर अवेलेबल है, यानी कि 2024 का। अगर आपको चाहिए, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ साथ इवन वो अपने ऑफिशियल नेम से जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई डर, कोई झिझक, कोई कुछ नहीं है। मामलात जो है वो अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, काशिफ रेड की जानिब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज की इस वीडियो में आपके एमडी कैट 2024 पेपर लीकेज के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। अभी तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं कि जो पेपर लीक आउट हुआ है, क्या वो वाकई एमडी कैट का पेपर है या उसके हवाले से जितने आपके आने के स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन क्यूरीज हैं, उस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। टीएमडीसी का रोल, डाउ का रोल, इन सब के हवाले से विद एविडेंस आपसे बात करूंगा। डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नए हैं तो यहाँ पर लाजमी काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर बात समझ आए, वाकई आपको सिचुएशन क्लियर हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर एविडेंस शेयर करते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पर यह है कि लास्ट ईयर जो भी होता है, आपको पता है कि केएमयू का भी जो है वो आपका ईटा का एमडी कैट लीक आउट हुआ था। सिंध में एमडी कैट जो है वो एक बार लीक हुआ, उसके बाद क्लेम्स किए गए फेक की जानिब से, जो है वो बकायदा एफआईए को इन्वॉल्व किया गया, सारा कुछ हुआ, बट उसके बावजूद अगेन आपका पेपर लीक आउट हो गया। बट लास्ट ईयर में और करंट ईयर में जो डिफरेंस है यहाँ पर, वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को एमडी कैट होने के बाद पता चलता था कि यहाँ पर कोई पेपर लीक भी हो सकता है या पैसे दे के आपको पेपर मिल भी सकता है। बट इस साल सिचुएशन डिफरेंट थी। पीएमडीसी ने जो है वो स्टार्ट से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके वजह से मैंने एक डिटेल वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी, आप देख सकते हैं। आपको याद हो तो मैंने उस पर कॉमेंट किया था कि पीएमडीसी अब अपना रोल जस्ट और जस्ट स्टेटमेंट्स तक लिमिट कर चुका है। वो कहता है कि हमने स्टेटमेंट पास कर दी, हमारा काम हो गया, आगे हमने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल आपको दी थी जिस तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के वाले से उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो फीस फिक्स करने जा रहे हैं, 15 डेज का टाइम था कि फीस रिफंड कर दें, इस तरह की तमाम चीजें हुई। बट एट द एंड रिजल्ट ये निकला कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फीसें फर्दर इंक्रीज कर दी है सेशन 2024 के लिए। अब यही चीज एमडी कैट के वाले से है, बकायदा एक टीचर की जानिब से क्लेम किया गया। मैं यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर कर दूं, ना तो मैं वहां टीचर के वाले से डाउट कर रहा हूँ, नो डाउट आपने वो वीडियो देख ली होगी, काफी वायरल वीडियो है, तो ना तो मैं उनके वाले से क्लेम कर रहा हूँ कि उनका जो है वो कोई इस तरह का रोल है या एलिगेशन क्या है, उनके वाले से मैं यहाँ पर कमेंट नहीं कर रहा, सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंडली, स्टूडेंट पेरेंट्स को जो है वो इस हवाले से अवेयरनेस देना है। देखिए, जो टीचर की जानिब से पेपर के वाले से बात की गई है, थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लेते हैं। उनकी जानिब से बेसिकली यहाँ पर लिखा गया कि मेरे पास एमडी कैट 2024 का पेपर आया है। कौन सा पेपर आया है? डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यानी कि सिंध का जो आपका एमडी कैट होना है उसका पेपर आया है। अब उनकी जानिब से जो यहाँ पर लॉजिक या रीजन दी गई है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए, एमडी कैट के वाले से क्या वो काफी सारे पेपर बनते हैं, 5-6 पेपर जो है एटलीस्ट रेडी होते हैं। उन 5-6 पेपर में से जो है वो एक पेपर आपका जो है वो चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि ये पेपर जो है वो टेस्ट में आएगा या इसके क्वेश्चन आएंगे, बाकी पेपर डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है जो मेरे पास पेपर आया है ये उन पेपर्स में से हो जो कि डिस्कार्ड कर दिया गया, उन 5-6 में से एक चूज हो गया, डिस्कार्ड होने वालों में से एक आ गया। और बकायदा उन्होंने ऑफर की कि अगर स्टूडेंट कहेंगे कमेंट्स में, तो मैं जो है उस चीज को यहाँ पर जो है आपके हालांकि आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अब आप सिचुएशन का सिंपली आइडिया लें कि अभी आपके एमडी कैट में से जो है वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 8-9 दिन जो है वो बाकी है, तो 8-9 दिन पहले ही सिचुएशन इस कदर वरेस्ट हो चुकी है, चाहे वो पेपर डिस्कार्ड हो गया। मैं आपको स्टेटिस्टिक की तरफ नहीं जाता, ना ही जो आप उसके एनालिसिस करते हैं उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन आप सिचुएशन को समझिए। लेट्स सपोज कि हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि ठीक है, ये उन डिस्कार्ड में से ही होगा। अब यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि वो जो 5 पेपर है उसके 200 के 200 क्वेश्चन हर पेपर के दूसरे से डिफरेंट हो। लेट्स सपोज उसमें से जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर ही जो है वो सब में कॉमन है, फिर भी उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर तो लीक आउट हो चुका है। डेफिनेटली बात है, इस चीज को यहाँ पर फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर कुछ क्वेश्चन भी आ गए हैं तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका जो है वो 100% यहाँ पर चीजें वैलिड नहीं है। अब इसमें यहाँ पर कहता क्लेम किया जा रहा है कि जी, मैं फिलहाल बोर्ड में काम करता हूँ, मेरा पीएमडीसी के साथ लिंक्स है। पहले तो जितना कुछ हो रहा था वो आपका जस्ट और जस्ट सिंध एमडी कैट के वाले से था, बट यहाँ पर ओवरऑल बात की गई है कि जी देखें, मेरे पास जो है ना वो एमडी कैट एंट्री टेस्ट 2024 का पेपर अवेलेबल है,
अगर आप में से किसी को भी ये पेपर चाहिए तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम हूबहू वही पेपर आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अगर आपको इंटर का रिजल्ट वगैरह भी चेंज करवाना है, इंप्रूव करवाना है, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे, सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर एनुअल लाइंस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पर करें, उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन है और जस्ट जो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं वही रब्ता करें, टाइम वेस्ट करने वाले दूर रहे, शुक्रिया। ये इन्वेस्टिगेट करना पीएमडीसी का काम है, पीएमडीसी को इस पे सिचुएशन क्लियर करनी चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप स्टूडेंट्स के लिए, आपको किसी भी ऐसे झांसे में, किसी भी ऐसे लालच में नहीं आना चाहिए। प्लीज अपना माइंड यूज कीजिएगा, माइंड के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लें। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब लास्ट टाइम एमडी का लीकेज के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, उनको एक्सपोज किया था, तो वहां पर मैंने एक स्क्रीन शॉट दिखाया था जो मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई थी या उनका कॉन्टेक्ट नंबर। अब उसके बाद बच्चों ने क्या किया, बजाय इसके कि आप इस चीज को डिस्करेज करते, इसके अगेंस्ट जो है वो कोई आवाज बुलंद करते, बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, सर प्लीज हमें उसका व्हाट्सएप दे दे, हमने उनसे कांटेक्ट करना है, हमने अपने नंबर इंक्रीज करना है, ये हमें पेपर चाहिए। तो इस बार आपने ये वाली प्रैक्टिस भी नहीं करनी कि सर हमें कांटेक्ट दे दे, हमें भी जो है वो पेपर चाहिए। सारा आपने किसी भी ऐसे शख्स को जो इस तरह की पोस्टिंग कर रहा है, कोई भी जो है वो पेमेंट नहीं करनी, कुछ भी एटलीस्ट एडवांस की सूरत में नहीं देना, जिनकी इस तरह की कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है, अगर उनके पास वाकई पेपर अवेलेबल भी होगा तो वो आपको इतना आसानी से ये पेपर प्रोवाइड नहीं करेंगे और जो भी आपकी पेमेंट होगी वो डूब जाएगी। आई होप एमडीकेट पेपर लीकेज के बारे में सबको सिचुएशन क्लियर होगी। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।